Grandpa Farouk's garden was Amir's favorite place. Amir loved the fruits, the leaves, the flowers, and the trees there. He also loved spending time with Grandpa. They worked together in the garden every week. When they finished, they enjoyed the fruit.

आमिर ग्रैंड पा और ये हमारे आमिर के ग्रैंड पा है उसके दादाजी हैं आमिर के दादाजी और दादाजी का ये क्या है फेवरेट प्लेस है फेवरेट प्लेस कैसे है बेटा क्योंकि ये जो गार्डन है आमिर के दादाजी ने मेंटेन किया है वो इसकी देखभाल भी करते हैं आमिर लॉर्ड फ्रूट्स आमिर को फ्रूट बहुत अच्छे लगते हैं आपको भी बहुत अच्छे लगते हैं ना ये मैम को भी बहुत अच्छे लगते हैं फ्रूट्स आमिर जब अपने दादाजी के गार्डन में जाता है ना तो उसे बहुत अच्छा लगता है वो बहुत प्यार करता है फ्रूट्स को उसको प्यारे लगते हैं पत्ते फ्लावर रंग बिरंगे फूल हैं वहां पर ट्रीज मीन्स पेड़ हैं वहां बहुत उसे बहुत अच्छा लगता है स्पेंडिंग टाइम स्पेंडिंग टाइम्स मीन्स उन्हें अच्छा लगता है ना जब भी वो फ्री होते हैं वो गार्डन में अपना टाइम स्पेंड करते हैं वहां पर अपना वक्त बिताते हैं उन्हें अच्छा लगता है अपने गार्डन में जाना अपने दादाजी के साथ आमिर अपने का अर्थ है यहां, पर उसके दादाजी आमिर अपने दादाजी के साथ गार्डन में जाता है और वहाँ पर वो मिलकर टुगेदर मीन्स एक साथ दादाजी और आमिर एक साथ मिलकर गार्डन में जाते हैं एवरी वीक एवरी वीक मीन्स संडे टू संडे हर एक वीक में कोई भी वीक ऐसा नहीं होता कि वो स्किप करें नहीं एवरी वीक दे गो टू गार्डन जाते हैं और वहां पर काम करते हैं क्या काम करते हैं बेटा गार्डनिंग मींस पौधों को पानी देना उनकी देखभाल करना ओके माई डियर और जब वो काम फिनिश हो जाता है जब वो कर लेते हैं अपने पौधों की देखभाल पानी देना उनकी साफ सफाई करना उसके बाद वो इंजॉय करते हैं फ्रूट्स का जो उनके गार्डन में फ्रूट्स लगे हुए ना Uh, तो उनके जैसे खाते हैं उनको ओके नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पैराग्राफ हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा आमिर उसके दादाजी हैं जो गार्डन में अपना टाइम स्पेंड करते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है गार्डन जाना वन डे ग्रैंड वॉज वेरी क्वाइट ही वर्कड इन द गार्डन विदाउट सेंग वर्ड दे प्लगड फ्रेश फ्रूट्स बट ना वो बिल्कुल शांत थे शांत राना इट मीन्स वो बोल ही नहीं रहे थे बिल्कुल चुपचाप थे चुपचाप ही अपने गार्डन में काम किए जा रहे थे विदाउट सेनी वर्ड कुछ भी नहीं बोल रहे थे तो उन्होंने क्या किया जब बाद में काम करने के बाद प्लग मीन्स जो पेड़ के ऊपर फ्रूट लगे हैं उनको तोड़ना जैसे फ्रूट से वो पेड़ से फ्रूट तोड़ते हैं वो डेली खाते हैं उसको पील करके लेकिन उसके दादाजी ने नहीं खाया जैसे ही आमिर ने अपने दादाजी का इस तरह चेंज बिहेव देखा ना तो उन्होंने अपने दादाजी से पूछा व्हाट्स रॉन्ग क्या हुआ दादाजी क्यों नहीं बोल रहे हो आप क्यों चुपो ऐसे ही आप अपनी मम्मा को भी कह सकते हो सपोज आपके मम्मा आपसे बात नहीं कर रहे हैं आपको पता तो लग जाता है आपके मम्मा आपसे बोल नहीं रहे हैं तो आप अपनी मम्मा को बोल सकते हो मम्मा व्हाट्स रोंग वाई आर यू नॉट टॉकिंग विद मी मेरे साथ क्यों नहीं बोल रहे हो ओके माय डियर आप इस वर्ड को अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हो नेक्स्ट माय गार्डन इज डाइंग आमिर रिप्लाइड ग्रैंड जैसे ही आमिर ने अपने दादाजी से पूछा दादाजी आप चुप क्यों हो तो उसके दादाजी ने कहा माई गार्डन इज डाइंग डाइंग मीन्स जो लीव्स हैं वो ड्राई हो गए हैं वो पत्ते सूख गए हैं पीले पड़ गए हैं सी इन द पिक्चर ये देखो पत्तों में जो होल हो गए हैं ना तो और जो पत्ते ना सूखे सूखे नजर आ रहे हैं हमें ऐसे ही येलो कलर के हो गए हैं तो इसको देख के जो ना दादाजी को अच्छा नहीं लग रहा था वो उदास हो गए आई uh, नो कि देखते हो ना तुम जैसे आपके घर में जो पॉट्स हैं उनके अंदर ग्रीनरी खत्म हो जाती है वो सूख जाती है तो अच्छे नहीं लगते ना ऐसे ही दादाजी को भी अच्छे नहीं लग रहे थे नाउ नेक्स्ट इज वाई डू यू थिंक सो so? आस्क आमिर आमिर कहते हैं दादाजी क्यों सोचते हो इतना लुक्ड क्लोजली सेट ग्रैंड पा दादाजी ने कहा देखो क्लोजली मीन्स नियर बाय पास से देखो पे अटेंशन ध्यान से देखो आपके टीचर भी बोलते है ना आपको पे अटेंशन हेयर लेसन में केयरफुली ओके तो उन्होंने कहा पास से देखो सम पैट्स आर ईटिंग द प्लांट्स पैट्स मीन्स कीट जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना जो हमारे खेतों की फसलों को भी नष्ट कर देते हैं ऐसे ही दादाजी के गार्डन में भी कुछ ऐसे पेस्ट्स हो गए थे इतने इंसेक्ट ऐसे इंसेक्ट थे फॉर एग्जांपल आप कोई भी ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट हो जा हो सकते हैं कैटरपिलर लाइक जो वो हो जाते हैं ना तो क्या है पत्तों को में छेद कर देते हैं जस्ट लाइक एज देख हो ना पत्तों के अंदर छोटे छोटे छेद हो गए वो सारी जो है ना गार्डन को खराब कर रहे थे उनकी हरियाली को खत्म कर रहे थे नाउ नेक्स्ट इज लुक क्लोजली पास से देखना आमिर लुक्ड एट द लीवस ऑफ द प्लांट नियर बाय हाफ द लीवस हैड बीन चीव्ड ऑफ जब आमिर ने पास से देखा पत्ते जो है ना क्या हो गए थे पत्ते उनके जो हाफ कहीं कहीं छेद हो गए थे वो खाए गए थे मींस पर बीटन ऑफ पत्तों के जो पार्ट्स हो जाना सूख जाना वो डिस्ट्रॉय हो जाना ओके माय डियर तो इस चैप्टर के थ्रू हमने क्या देखा व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर फ्रॉम दिस पेज पेज नंबर सेवन जो आमिर है उसके दादाजी ने एक गार्डन मेंटेन किया है वो वहां पर जाना उन्हें अच्छा लगता है वह वहां से फ्रूट्स तोड़ते हैं उन्हें खाते हैं फ्रेश फ्रूट्स को और अपने पौधों की देखभाल करते हैं ऐसे ही हमें अपने घर में भी जो हमारे पॉट्स हैं उनमें पानी देना चाहिए है ना और उनकी केयर करनी चाहिए आपने बेटा इस चैप्टर को रीड करना है प्रॉपर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ ओके आज के लिए मैम केवल पेज नंबर सेवन ही रीड करवाएंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज मैम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको पेज नंबर एट एंड पेज नंबर नाइन एक्सप्लेन करेंगे ओके माय डियर यू हैव टू रीड दिस पेज टू टाइम्स थैंक यू हैव नाइस डे